इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बैग में 1 से 25 नंबर्स वाले कार्ड हैं और इनमें से हमने एक कार्ड रैंडमली उठा लिया है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो नंबर 2 और 3 इन दोनों से डिविजिबल होगा। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको निकालना हो कि 3 से लेकर 22 तक टोटल नंबर्स कितने हैं, तो उसके लिए हम करते हैं 22 माइनस 3, और अगर ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड हैं तो यहाँ पे हम कर देते हैं +1। 22 माइनस 3 यानी 19 +1 यानी कि टोटल नंबर्स यहाँ पे हमारे हो जाएंगे 20। और अगर यहाँ पे 3 और 22 इंक्लूडेड ना हो तो उस केस में हम करेंगे 22 माइनस 3 माइनस 1 यानी कि 19 माइनस 1 विच इज 18। तो इस केस में टोटल नंबर हमारे हो जाएंगे 18। अब यहाँ पर हमारे पास 1 से लेकर 25 तक नंबर्स हैं जिसमें 1 और 25 दोनों इंक्लूडेड हैं, तो यहाँ पर टोटल नंबर्स हो जाएंगे 25 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 1 विच इज़ 25, यानी टोटल आउटकम्स हमारे 25 हो गए। अब हमको देखना है वो नंबर्स जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हों। सबसे पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं जो कि 2 से डिविजिबल हैं। अब 2 से डिविजिबल वो नंबर्स होंगे जो 2 के टेबल में आते होंगे, यानी कि 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 16, 18 and so on। सिमिलरली 3 से डिविजिबल नंबर्स वो होंगे जो 3 के टेबल में आते होंगे, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, then 21 and so on। अब यहाँ पर हमको वो नंबर्स लेने हैं जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हों, यानी कि वो नंबर्स जो इन दोनों में कॉमन हों। तो यहाँ पे कॉमन नंबर्स हैं 6, 12, 18 एंड सो ऑन। तो ये नंबर्स वो नंबर आ रहे हैं जो कि 6 के टेबल में आते हैं, और यहाँ पर हमारा 2 into 3 ये भी 6 ही होता है, तो यानी कि हमको वो नंबर्स लेने हैं जो 6 से डिविजिबल हों। तो इसको पहले नोट कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल कार्ड्स हमारे पास 25 हैं जिसमें से हमको 2 और 3 इन दोनों से डिविजिबल वाले नंबर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इन दोनों से डिविजिबल यानी कि जो 6 से डिविजिबल होंगे, यानी कि ये सारे नंबर्स। अब यहाँ पे हमको 25 या उससे कम वाले लेने हैं तो हम 30 और उसके बाद वाले नहीं लेंगे, तो यानी टोटल आउटकम हमारे यहाँ पर हो गए 4। तो यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2 and 3 अपॉन टोटल नंबर्स। 2 और 3 से डिविजिबल नंबर हमारे पास 4 हैं और टोटल हमारे पास 25 हैं, तो यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाएगी 4/25।